नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलेंगे आपको फिश से, मतलब मछली से दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसी तालाब में, इसी पानी में है वो मछलियां। क्या आपको दिख रही है दोस्तों? देख, ये रही दोस्तों, देखिए कितनी काली है, जो काली काली है पानी के अंदर, यही मछली है दोस्तों। हम घूमने आए, मेरे दोस्त भी साथ में। ये दोस्त देखिए दोस्तों, ये काले काले दिख रहे हैं ना, ये पानी के अंदर, यही है दोस्तों। ये इनकी मूछें भी हैं दोस्तों, इसको मूछे वाली मछलियां भी कहा जाता है दोस्तों इसको। और ये देखिए, ये फिर रही दोस्तों, ये है हमारे किशनगढ़ क्षेत्र की मछलियां, गुंदलाव क्षेत्र की। मेरा दोस्त वहाँ घूम रहा है और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वो रहा मेरे दोस्त, मछलियों को देख रहा है, वो उसको दाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर नज़ारा है। बाहर आ गए हम, देखिए दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा है। ये देखिए, आपको नहीं दिखेगी दोस्तों, ये इन मछलियों की डेट हो चुकी है दोस्तों, इसलिए ये ऊपर दिखाई दे रही है कचरे की तरह दोस्तों। ज़्यादा इसमें पोल्यूशन है, इसलिए दोस्तों इनको जीवन का खतरा है दोस्तों, इसलिए कुछ बलिदान दे चुकी है मछलियाँ। तो हमें कभी भी पानी के अंदर गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि कुरकुरे, कुरकुरे की थैलियाँ, कुछ गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए दोस्तों। नालियों का नाला नहीं खोलना चाहिए दोस्तों, इसमें इसमें खुला हुआ है दोस्तों, इसलिए यह पोल्यूशन बन चुका है और इनके मछलियों के जीवन में खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। मध्य नजर रखते हुए दोस्तों, जिसके घर में शौचालय नहीं है दोस्तों, वो वही लोग इस पानी को गंदे करते हैं दोस्तों। वो शौचालय के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं दोस्तों, जो कि हमारे जीवन को और मछलियों के जीवन को बहुत ही बड़ा खतरा है दोस्तों। जिन जिन भाइयों के घर शौचालय नहीं है, तो ऐसा काम करें, एक बोतल ले उसमें पानी भर के और बाहर जाके ऐसा काम करें दोस्तों शौचालय का, और इसके अंदर स्वच्छता रखनी चाहिए। हम इंसानों को, हमें समझना चाहिए हमारे कर्तव्य क्या क्या है दोस्तों। हमें ईश्वर ने बनाया है, इनको भी बनाया है दोस्तों, सबको जीने का हक है दोस्तों। ये तो मर गई दोस्तों मछलियाँ, बोलो।